हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और ये देखिए, सुबह हो रही है और सुबह के ये 6:30 ऐसे कुछ बज रहा है। और देखिए, कौवा ऊपर बैठा हुआ है और अभी मरकरी, मतलब जो मोहल्ले में लाइट जलती है खम्भों में, मरकरी भी अभी नहीं बुझी है क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेला है और आपको न समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये अपना ये हरा भरा, ये थोड़ा सा ही है, पर ये बगीचा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे देखने में भी इतना मतलब सुकून मिलता है कि बहुत। और मुझे पेड़ पौधे लगाने का तो शौक है ही, वैसे फूल पौधे पेड़ सभी, इसीलिए मुझे इनको देख के बहुत ही खुशी मिलती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से सुबह। और मैं अब जाऊंगी टहलने, अपना जो दरवाज़ा है वो खोलूंगी और पानी डालकर उसमें तो जाऊंगी टहलने। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आ गई हूँ टहल कर, और मैं जो अपना रोज़ का सुबह का जो काम है ना, वो मैं लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं उनके लिए दलिया पकने के लिए रख देती हूँ। मैं जो अपना सुबह का थोड़ा सा जो फ्रेश होने का सभी काम करके मैं आ गई हूँ, तो दलिया में पकने के लिए रख दूँगी और पानी, चाय और सब्ज़ी फिर मैं बैठकर काटूँगी। फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा किचन पोछ लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे रात को थोड़ा सा क्लीन किया था, थोड़ा सा भी कर दूँगी। और जो डीप क्लीनिंग है तो फिर मैं बाद में करूँगी रहकर। और ये दलिया मैंने फ्रेंड्स थोड़ा सा ही बनाती हूँ, क्योंकि वो उतना नहीं खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट टाइप का थोड़ा सा एक कटोरी बस उतना ही खाएंगे। और ये भी अपने लगे हैं योगा में। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं खिड़की से देख रही थी तो यहाँ का मौसम देखिए, और जैसे मतलब सूर्य भगवान निकले हैं वैसे ही यहाँ देखिए कोहरा टाइप का गिर रहा है। मुझे मतलब देख के इतना वो हो रहा था। और सुबह बहुत खुला मौसम था फ्रेंड्स, और अभी भी ये मतलब ऐसे हो गया है ये मौसम। तो मैं अभी निकल कर बाहर आई हूँ, अभी लोग भी बाहर ठीक से नहीं जगे हैं, बहुत ही कम जिनको टहलना रहता है वो टहलते हैं, जैसे लेडीजे हैं और फूल तोड़ती हैं और यहाँ टहलती हैं तो वही निकलती हैं, बाकी कोई अभी नहीं उठा है। तो ये देखिए कोहरा फ्रेंड्स, ये अभी इतनी ठंडी भी नहीं हो रही है, फिर भी कोहरा मतलब आज ही गिरा है, वैसे तो नहीं वो हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था मेरे को। और फ्रेंड्स, फिर मैं अपने काम में वापस आ गई हूँ। तो ये देखिए, मैंने जो सब्जी है आज मैं करेला बनाऊंगी, और जैसे सूखी सब्जियां ही बनाती हूँ, रसे वाली सब्जियां ये सभी टिफिन में मतलब गिर जाती हैं, थैले में ख़राब हो जाता है, तो उतनी अब सूखी भी नहीं बनाती, क्योंकि ये बोलते हैं सूखी मत बनाओ, वैसे थोड़ा सा क्योंकि सूखी बनाने के लिए फ्रेंड्स तेल अधिक लगता है और तेल ये खाना नहीं चाहते हैं। तो मैं जैसे करेला हो गया या भिंडी हो गया तो इनको टमाटर डाल के या ढक कर पका दूँगी तो पक जाएंगे। और मैं सभी बर्तनों को रैक में जमा दूँगी। और फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत मतलब काम है, मेरा बेटा 2-3 दिन से लगा हुआ है, क्योंकि मेरा जो मैं सोच रही थी कि लाडली बहन योजना वाला फॉर्म भरने के लिए, पहले नहीं भरा था क्योंकि बोल रहे थे कि नहीं भरेगा आपका, तो नहीं भरी थी। अब मैं सोच रही भर दूँ, तो देखते हैं भरता है कि नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगा तो नहीं भरेगा। तो अभी एक दो दिन है मेरे पास, शायद भर जाए। और फ्रेंड्स, ये जाता है ना काम कराने वहीं, तो थोड़ा सा मेरे आधार कार्ड में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मेरा जो नाम है ना तो दूसरे के समग्र आईडी मतलब निकल रहा है, तो उसको सुधरवा रहा है, तो 2-3 दिन से दौड़ रहा है, तो आज मुझे भी ले जाएगा तभी काम बनेगा। और जो मेरे अकाउंट का जो नंबर है तो उसको चेंज कराना है, तो उसी के लिए मुझे ले जाएगा। तो भाई, मैं अपना रोज का रूटीन का काम ठीक से मतलब कर लूँगी जल्दी से, और मुझे समय निकाल कर फिर जाना होगा बैंक और KYC करवाना है, तो उसी के लिए जाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने करेला बना, ये बगल में दलिया पक रही है और मैंने करेला बघार दिया है। और फ्रेंड्स, ये कम तेल वाली ये सब्जियां नहीं है, ये सब्जियां अधिक मतलब थोड़ी सी ज़्यादा तेल में ही बनती हैं।
तो देखती हूँ बनाती हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे पकती हैं और ऊपर से तेल भी लगता है, नहीं तो नीचे से जलने लगता है। और मैं इसमें ढक कर पकाऊंगी तो शायद पक जाए जल्दी, और चाय उनके लिए मैं चढ़ा दूंगी। और फ्रेंड्स अभी इतनी सफाई करना बाकी है ना, क्योंकि ये नवरात्रि भी आ रही है। और फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, और ज़रा से भी अच्छे लगते हो, थोड़ा सा भी अच्छे लगते हो फ्रेंड्स, तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और मुझे फ्रेंड्स आपके कमेंट्स हैं और जो लाइक है ना, तो मुझे आगे बढ़ने में मुझे मतलब प्रेरणा देते हैं और मुझे आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और नए हैं, तो उनको मैं मन से थैंक यू बोलती हूँ फ्रेंड्स। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी वॉच करते हैं, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और फ्रेंड्स आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और वीडियो बनाने की मेरी इच्छा भी होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा जो सुबह का रूटीन है ना, मैं दलिया बन गई हूँ तो उनको दे दूंगी। और फ्रेंड्स ये मतलब जैसे अभी टिफिन बनाना है और मेरा बच्चा भी स्कूल जाएगा, तो उसके लिए भी टिफिन बनाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स मैं आटा लगा लूँगी, तो मुझे फिर रोटी भी बनाना पड़ेगा। और टाइम बहुत जल्दी ही निकल जाता है, ये आधे घंटे मेरे लिए इतना जल्दी निकलता है जैसे कि मतलब, वैसे अगर आप बैठे रहेंगे कुछ भी वैसे तो नहीं होगा इतना जल्दी, टाइम नहीं कटेगा। और ये टिफिन के उसमें से बहुत जल्दी कट जाता है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं आ गई हूँ नहा धोकर, यहाँ बाजार आ गई हूँ, और यहाँ मुझे मैं KYC करवा रही हूँ अपने आधार कार्ड मतलब उसका। और ये फ्रेंड्स मैं दो तीन मतलब काम थे जैसे मेरे लड़के का, तो वो सभी काम मतलब आज करा के आए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ये दूसरे दिन का व्लॉग है, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये सुबह हो गई है और मैं टहल कर आ गई हूँ। और आज इनका रेस्ट है, तो आज मेरा आज ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट ही बनेगा। और इन्होंने सुबह से नहीं बताया फ्रेंड्स, तो मैंने जो सब्जी भी काट ली थी और दलिया भी इनकी पका दी थी, तो आज इनको मैं दलिया ही खिलाऊंगी, दूसरा नाश्ता नहीं बनाऊंगी। और वो अपने आज रेस्ट हैं, तो आज अपना वो जो उनका काम रहता है ना, लाइट बनाना कुछ भी वैसा भी काम करना, तो वो कर रहे हैं लाइट अपना। और मैं ये अपना जो रूटीन का काम है, बिस्तर बना दूंगी और झाड़ू भी लगाना है फ्रेंड्स। और जो थोड़ा सा चना रखा था फ्रेंड्स, तो उसको मैं बीन फटक के रख दी हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा है ना तो भूंज कर खाते रहता है, तो वही कचरा रहा उसमें, थोड़ा सा ही बचा है फ्रेंड्स। क्योंकि हो गए मैं गई थी ना, तो थोड़ा थोड़ा जैसे दी थी तो वही रखा हुआ था, तो मैं उसी को अच्छे से रख दी हूँ। और चलिए फ्रेंड्स मैं अपना किचन साफ कर लेती हूँ, और थोड़ा से मूंग की दाल रखी थी तो उसी को मैंने फुला दिया, फुला दूंगी। और शाम को बनाऊंगी मुंगौड़ी, शाम को नहीं तो सुबह ही बनाऊंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ हमारे ननंद के यहाँ मतलब उनके नाती का बर्थडे है, तो नहीं बना पाऊंगी आज, तो फ्रिज में रख दूंगी, तो सुबह ही बनाऊंगी इसको। और यहाँ गैस पर पास्ता चढ़ा हुआ है उबलने के लिए, क्योंकि इनके पापा दलिया खा लिए थे, और मेरा जो बड़ा बेटा था तो उसके लिए मुझे बनाना था, और छोटा वाला मैगी ले गया है नूडल्स। तो फ्रेंड्स रेस्ट के दिन ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनता है, मतलब सबका जो अपना अलग अलग, जिसका जो मन है थोड़ा बहुत खाने का तो वही बन जाता है। और जैसे ड्यूटी रहता है तो जो सुबह एक बार बन जाता है रोटी, तो उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं बनाती, क्योंकि फिर वो रोटियां फ्रेंड्स रखी रहती हैं, कोई नहीं खाता है, तो इसलिए रेस्ट के दिन ही ये सब बनता है। और फ्रेंड्स मैं किचन की सफाई कर दूंगी अभी, और अभी नल ही आने वाला है जल्दी से, तो नहाना भी है। चलिए फ्रेंड्स मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और अंदर का काम फिर मैं बाद में करूँगी, पहले किचन साफ कर लेती हूँ। और एक बार मैंने साफ कर दिया था, और दोबारा मतलब ये दोबारा से क्लीन कर रही हूँ।
और फ्रेंड्स कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो? और देखिए नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और नवरात्रि आने वाली है, माता जी की भक्ति पूजा ये करने के दिन आने वाले हैं, तो आप ये 9 दिन जितना हो सके सुबह से नहाना धोना हो जाता है हमारे फ्रेंड सबका हो जाता है, और जो ये काम है तो एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाते हैं क्योंकि नहाने के बाद कुछ काम वैसा आप नहीं कर पाते हैं तो वही काम रुका रहता है। जब ये नवरात्रि चली जाएगी फ्रेंड्स तब वही सभी जितनी साफ सफाई है सभी काम फिर शुरू हो जाएंगे, दीपावली के आने की तैयारी होने लगेगी। और फ्रेंड्स इस समय त्यौहार ही त्यौहार हैं और अकेले हैं तो जैसे काम करने में थोड़ा सा वो भी लगता है, डर भी लगता है सोच के कैसे करें कैसे करेंगे, पर जब घर की सफाई हो जाती है तो उतना ही सुकून मिलता है उतना ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स जल्दी ही पितर भी जाने वाले, जो पितरा लगा हुआ था वो भी अब जाने वाले हैं, तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि पंडित जी से हम लोगों ने पूछा था तो उन्होंने बताया था, तो हम लोग सिर्फ सीधा ही बनाकर दे देंगे पंडित जी को बस। मैं फ्रेंड्स पहले भी मैं इतना ही करती थी क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, तो सीधा दे देते थे और कुछ भी और गाय को कौओं को और कुत्तों को जो तो कुछ भी बनाते। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ।